तुम्हारी शादी में शिरकत काफी है मेरे लिए। थैंक यू कि तुमने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है ही जानता है हम कैसे रह रहे हैं हमें कौन सा शौक है आपके साथ रहने का शादी, मुझे धूम धड़क का शोर शराबा नहीं चाहिए क्या तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं हो महानूर का रिश्ता एन से तय होने के बाद अब घर में महानूर की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं अम्मा भी भी साबिर भाई को बुलाकर समझाएंगे और उनसे यही कहेंगी कि उस दिन रिश्ता आने वाले दिन तुम्हें वहां होना चाहिए था लेकिन तुम कमरे से बाहर नहीं निकले आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए अब महानूर की शादी होने वाली है और यह शादी का घर है यहाँ पर मैं ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं चाहती हूँ तुम राशिदा को समझाओ कि वो इस तरह की हरकतें ना करें साबिर भाई अम्मा भी से यही कहेंगे कि ठीक है अम्मा भी मैं राशिदा को समझाऊंगा कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा मभी तो के कहने पर ही साबिर भाई राशिदा को समझाएंगे और उससे कहेंगे कि मैं इस शादी में जरूर शिरकत करूंगा और मेरे साथ तुम्हें तो भी इस शादी में शिरकत करना पड़ेगी घर तो की बच्ची है हमें इस तरह नहीं करना चाहिए राशिदा भाभी अपने शोहर की वजह से खामोश हो जाएंगी और कुछ भी नहीं कह पाएंगी और आने वाले एपिसोड में ही हमें दिखाया जाएगा कि साबिर भाई महानुर से भी यही पूछेंगे कि तुम्हें अपनी शादी में तोहफे में क्या चाहिए तो महानूर जवाब में कहेगी कि आप जो दिल चाहे दे दीजिएगा लेकिन ताई अम्मी से जरूर पूछ लें क्योंकि उसे पता है कि ताई अम्मी उसकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है ताई अम्मी महान की तरफ देखेंगी और उससे कहेंगी कि मैं तुम्हारी शादी में शिरकत कर रही हूँ यही काफी है महानूर और अम्मा भी दोनों राशिदा का ये जवाब बहुत ज्यादा बुरा भी लगेगा लेकिन राशिदा भाभी अपनी आदत से मजबूर है और वो पूरी शादी में इसी तरह की हरकतें करती हुई नजर आएंगी उधर अजीम और हुसनारा के मामला भी कुछ बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अज़ीम को बुखार चढ़ने के बाद हुसनारा ने आजीम की बहुत देखभाल की उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा अज़ीम ये सब कुछ देख कर हुसनारा का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार होगा और आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि हुसनारा जो कि अजीम से यही कहेगी कि अब उठ गए हो तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ आज मैंने तुम्हारी पसंद का हलवा भी बनाया है और खाना भी तुम्हारी पसंद का बनाया है नीचे आ जाओ ताकि मैं तुम्हें खाना दे दूँ फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं अज़ीम जो कि हुसनारा की बातें सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देख रहा होगा और फिर जैसे ही हुसनारा कमरे से निकलने लगेगी तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेगा और उसे कहेगा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया हुसनारा भी अजीम के इस रवैये से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएगी और ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी क्योंकि वो चाहती यही थी कि अज़ीम उसकी तरह बढ़े लेकिन इस बार हुसनारा का रवैया बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया गया है अपनी शादी के बाद से उसने घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलाई जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हुसनारा का ये कैरेक्टर राशिदा की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया है और अब ये नेगेटिविटी घर में राशिदा फैलाती हुई नजर आ रही है और राशिदा ही घर के हर काम में पग डालती हुई नजर आ रही है जो कि पिछली एपिसोड्स में हुसनारा किया करती थी तो जनाब राशिदा का ये नेगेटिव कैरेक्टर किस किस को अच्छा लग रहा है और किस किस को इसका ये कैरेक्टर बुरा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा हुसनारा और अजीम का ये एक दूसरे के करीब आ जाना अगर आपको भी अच्छा लगता है तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए घर का माहौल खराब होने की वजह से अम्मा भी साबिर को यही कहेंगी कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस राहत की वजह से है वही राशिदा के कान उल्टे सीधे भरती है और ये चीज साबिर भाई खुद अपनी आंखों से भी देख लेंगे जब वो राशिदा को शादी की तैयारियों का कहेंगे तो ऐसे में हमें दिखाया जाएगा कि राहत जो कि वहीं उनके कमरे में मौजूद होगी और उनसे यही कहेगी कि हमारी बहन क्यों करने लगी शादी की तैयारियां और ऐसे में साबिर भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो फौरन राहत को यही कहेंगे कि ये हमारे घर का मामला है आप बीच में मत बोलें आप कौन होती हैं इस घर के मामला में बोलने वाली राशिदा को साबिर का जवाब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि वो तो खुद भी राहत के साथ मिलकर इस घर की बुराइयों में मसरूफ़ रहती है और राहत ही के भड़काने पर यहाँ घर में इस तरह की नेगेटिविटी फैलाने में मसरूफ है लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि साबिर भाई अब इसका राहत से मिलना जुलना रोकेंगे और घर के माहौल को ठीक करने की कोशिश करेंगे उधर ऐान के डैड भी पाकिस्तान वापस आ चुके होंगे और हमें दिखाया जाएगा कि वो अन से यही कहेंगे कि मैं अपने बेटे की शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से करूँगा और अन ऐसे में उन्हें यही जवाब देगा कि मैं शादी को बिल्कुल धूम धड़क से नहीं करना चाहता बिल्कुल सादगी से करना चाहता हूँ लेकिन ऐान के डैड को अन की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो तो अपने बेटे की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से करना चाहते हैं क्योंकि अयान उनका बहुत ज़्यादा लाडला बेटा है हारिस और महाजबीन के मामलत भी अभी तक बेहतर नहीं हुए वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं और इस चीज़ को हारिस की बहन जो कि दुबई से वापस आ चुकी है महसूस कर लेगी और वो हारिस से यही सवाल करेगी कि क्या तुम अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हो और ये बात सुनकर हारिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और अपनी बहन को जवाब में कुछ भी नहीं कह पाएगा फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज